हमारे साथ आईजीपी कश्मीर विधि कुमार विधि इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी गंडरबल एरिया का विजिट किया है और वहाँ पे डायरेक्शन कुछ रेस्क्यूअर्स को दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़े शादोमत से वहाँ पे काम चल रहा है। आप भी अभी गए थे, तो किस तरीके की डायरेक्शन आपने वहाँ पे दिए, चाहे SDRF हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो? जैसा कि आप जानते हैं, कल ये अर्ली मॉर्निंग में ये गमनाक नाका पेश रफ्त हुआ और उसी के तुरंत बाद जो है राम मुंशी बाग की जो रेस्क्यू टीम है उसने उसमें अपनी रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दिए। और उसके बाद ये इसमें कुल मिला के कुछ लोग रेस्क्यू किए गए और उसमें से करीबन 6 लोगों की डेथ हो गई ड्राउनिंग के कारण और कुछ लोग रेस्क्यू हो गए थे। अभी भी कल से 3 लोग मिसिंग हैं और इसी असना में दिन रात, कल सुबह और कल रात को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इसमें हमारी SDRF NDRF की टीम और JK पुलिस की जो है रिवर टीम और मार्कोस को स्पेशली रिक्विजिशन में बुलाया गया था, जो कल से दिन रात अपना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। बट अभी तक 3 मिसिंग जो ड्राउन जो हुए थे उनके बारे में अभी कोई ताज़ा जानकारी नहीं है, ना अभी ट्रेस नहीं हो पाया। सर मजीद मैंने मशीनरी वहाँ पे लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम लोगों की स्पेशलाइज टीम है उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं और वो नदी में उसका जो नीचे तला है या गोताखोर जो है नीचे ढूंढने में अपनी मशीनरी और अपने आप जो है गोताखोरी करके उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या कोई डायरेक्शन अभी दी गई है वहाँ पे? अभी उन लोगों को यही अहकाम हैं कि पूरा जो है एरिया को छाना जाए और इसके अलाहदा हम लोगों ने शहर श्रीनगर में बाकी थाने जो दरिया झेलम के किनारे हैं उनको भी हिदायत बख्शी है कि वो लुकआउट रखें अपने अपने एरिया में जो जहां से झेलम बहती है, और कोई भी अगर ऐसा कोई सुराग या वो मिलता तो तुरंत थाना नौगाम और रामुंची बाग को इतला करें। सर ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस है तो कश्मीर डिवीजन में किस तरीके की सिक्योरिटी तैयारी है, क्या एडिशनल ट्रूप्स को बाहर से यहाँ पे लाया जा रहा है? लोकसभा इलेक्शन में जो भी गाइडलाइंस रहती है और गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से पूरी प्रेपरेशन है? बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी ही प्रिपरेशन रही। सर आखिर में जानना चाहेंगे, रामनामी है जहाँ की जमीन निकल रही है मुख्तलिफ इलाकों से, तो किस तरीके के अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हवाले से किए, क्योंकि लाल चौक में भी अभी जाके एक पहुँची है? इसके लिए वाजिब पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसा कि जिला पुलिस करती है वो किए गए हैं और वो प्रॉपरली उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और सारी एरिया सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।